सबको जय मसीह की। मैं आज जो वचन आपके सामने बोलना चाहती हूँ वो है नीति वचन 3:5-6। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु इस वचन के पढ़ने के द्वारा आपको आशीष दे और आपको सामर्थ्य से भरे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। सचमुच में कई बार हम अपनी अकल का सहारा लेते हैं और अपने लिए सब कुछ बिगाड़ बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी अकल सीमित है। हम दूर तक नहीं देख सकते, हम एक दीवार के पीछे भी नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर ने तो सारी सृष्टि को बनाया है और वो सारी सृष्टि को निरंतर देखता है। वो हमारे जीवन के आगे आने वाले सालों को भी देखता है, वह हमारी कमजोरियों को भी जानता है और वो हमारी ताकत को भी जानता है, और वो उसी के मुताबिक हमारे जीवन के लिए एक नई योजना बनाता है। लेकिन हम जो योजना बनाते हैं वो योजना हमारी अपनी होती है, हमारी छोटी समझ की, हमारे छोटे विचारों की, हमारी छोटी काबिलियत की। लेकिन परमेश्वर की योजना हमारी काबिलियत से भी बढ़कर होती है, क्योंकि वो जब हमारे लिए योजना बनाता है तो वो उसमें खुद को हमारे साथ रखता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को स्मरण करके सारे काम करने चाहिए, तभी वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जब मार्ग सत्य जीवन हमारे साथ है तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें निरंतर परमेश्वर के सन्मुख रहना है। आमीन।